17 वी हैड अ रैली, तो 18 में क्या हुआ कि सब ऑफिसर्स को उसका अपना अपना पोजीशन से हटा दिया था। देन ऑन 27 हम लोग फिर एक रैली प्रपोज किया था, एक वन वीक हम लोग अल्टीमेटम दिए और वेरियस हम लोग डिमांड हम लोग सबमिट किया था, जैसे कि रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग को पता नहीं है APSSB जो RTI का परव्यू में भी नहीं आता है। अरे जब कोई कमीशन RTI का परव्यू में नहीं आएगा तो हाउ कैन वी सी ट्रांसपेरेंसी, जबकि पेमा खंडू का जो गवर्नमेंट का जो सरकार है वो जब 2016 में जब APSSB को बिल पास किया था उस समय में वो बोला कि ये जो APSSB है ये पूरा ट्रांसपेरेंसी कराएगा, अभी से नो करप्ट सिस्टम ऐसे बोला था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि APSSB बर्थ होने का साथ साथ यहाँ में स्कैम शुरू हो गया। 2016, 2017, 2018, 2019 जस्ट 3 इयर्स का बीच में आप देखो LDC का, और इससे प्रीवियस भी जितना भी एग्जाम हुआ होगा वी हैव एप्रिहेंशन दैट उसमें भी करप्शन हुआ ही होगा। तो हमारा ये है कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट थे कि LDC वाला जो एग्जाम था उसमें ऐसा कुछ हम लोग को होता है, कोयमर से सरप्राइज हो, वो आदमी तो एंजल है हम लोग, नहीं तो हम लोग को ये करप्शन के बारे में भी पता नहीं चलना था और ये करप्शन जो गायब हो जाना था। कोई एक सेक्रेटरी वाला जो एक APSSB में और जो एक अच्छा पोजीशन में बैठा है ऑफिसर, वो अपना पावर को मिसयूज करके ब्लैंक ओएमआर सीट को स्ट्रॉन्ग रूम में चाबी खोल के जाके वो वही पर्टिकुलर ये 2025 को ये ओएमआर सीट को वो पर्सनली जाके जब एंसर सीट को वो फिल करता है ओएमआर सीट को, तो आप लोग सोच के देखिए द लेवल ऑफ करप्शन किस तरीके का लेवल है। तो वो लोग बहुत चालू से करके देखा है, लेकिन क्या है कि किस्मत इस बार उसको साथ नहीं दे, तो वो लोग पकड़ा खा गया। हम लोग का रिप्रेजेंटेशन जब 27 में प्रपोज हुआ, हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन रिफॉर्मेशन के लिए APSSB का रिफॉर्मेशन के लिए बाय रूल्स एंड रेगुलेशन का रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग एक वो किया था, रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को। वो तो ऐसा भी बोला हम लोग को, इफ आई कैन नॉट डिलीवर जस्टिस बिकॉज APSSB इज माय पेट प्रोडक्ट, उसका खुद का सोच के बनाया हुआ है APSSB को। अगर APSSB का ये स्कीम को जस्टिस नहीं दिला पाया तो पेमा खांडू अपना मुख से बोला है कि ही इज नॉट राइट टू बी इन द चेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप लोग भी सोच के देखो, ये APSSB में बेस्ट टू बेस्ट इंसानों को चुन के हम लोग सोसाइटी को सर्व करने के लिए, डिपार्टमेंट में सर्व करने के लिए हम लोग को आदमी को चुना जाता है, जबकि प्रमोट करके आदमी के गलत से डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाए वो सोचते हैं इंसान क्या चेंज करेगा, हम व्यक्ति में क्या देखभाल करेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, हम आज का इंजीनियरिंग कमेटी का ये चीज को जानना पसंद करने वाला है, आप सभी लोग को भी देख के बहुत नजर आ रहा है हमारा सोसाइटी में चेंज आएगा। APSSB हर जगह से इम्पेक्ट करता है सच में, पर्टिकुलरली हम मेरा तरफ से भी मेरा फैमिली में भी कोई गर्व APSSB में ट्राई करेगा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ट्राई करेगा, आप लोग का भी करेगा होगा, लेकिन ऐसे करप्ट करके बड़ा बड़ा आदमी लोग अपना आदमी को घुसाएगा बोल के कर रहा होता हूँ, ये नहीं होगा। वहाँ से ही करप्शन स्टार्ट होता है, वहाँ से ही सोसाइटी में डैमेज होता है, सोसाइटी को चेंज करना है बोलता हूँ, हम लोग को ये चीज़ को हम लोग सुधारना है जैसे भी सुधारना है, एंड वो सुधार कहाँ से आएगा, ये रिफॉर्मेशन ये चेंज से ही आएगा। आप लोग को देख के हमको डर रहा है कि ये रिफॉर्मेशन है सच का, जो भी हो अंटिल लास्ट फाइनल फाइट तक हम लोग का आंसू सॉलिडिटरी ये हमारा इंटरिम कमेटी को हम लोग देगा, कहीं पे भी कुछ भी जरूरी हो कुछ भी हेल्प जरूरी है हम लोग का तरफ से एक्सटेंड करेगा।